तो स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और अभी मैं नंदगांव पहुंच चुका हूं और आप मेरे पीछे ये सरोवर देख सकते हो। आप मथुरा, वृंदावन, गोकुल, नंदगांव कहीं भी जाएंगे आपको कुंड और सरोवर बहुत देखने को मिलेंगे। तो यहां से मैं अभी चलता हूं, तो अभी मैं जा रहा हूं नंद महल में, जो कि नंदगांव के पहाड़ी के ऊपर स्थित है। तो अभी चलिए चलता हूँ मैं वहाँ पर और जो कुछ होगा सारा सब कुछ आपको एक्सप्लोर करता हूँ। और आज मुझे यहाँ आए हुए 3 दिन हो गए। पहले दिन मैं वृंदावन में था, दूसरे दिन गोवर्धन पर्वत और तीसरे दिन अभी सुबह मैं बरसाना में था और अभी दोपहर के टाइम मैं नंदगांव आ गया हूँ। तो चलिए चलते हैं नंद महल की ओर और अभी मैं आपको नंदगांव को दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो सारा नंदगांव है। आपको मैं ये एरियाज दिखाता हूँ। ये बोर्ड आप देख सकते हो नंदगांव का। राधे राधे आप सभी भक्तों। मेरा नाम शशिकांत गोस्वामी है और नंद बाबा मंदिर सेवायत पुजारी। अभी आप लोग ये दर्शन कर रहे हैं नंद महल का। ये वही नंद महल है जिससे नंद महल का गायन वेद पुराण शास्त्र करते हैं। वृंदावन सा वन नहीं और नंद गाम सा गाम, और वंशी वटसा वट नहीं श्री कृष्ण नाम सा नाम। रज 84 कोस में 4 गाम धाम वृंदावन मधुपुरी बरसाना नंदगांव। ये ब्रज के 4 श्रोमणी धाम हैं। जो भी भक्त भावपूर्ण 4 गांव की यात्रा कर लेता है उसको जीवन में 4 धाम यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती। वृंदावन बोलते हैं तुलसी के जंगल को, मधुपुरी बोले मथुरा जी को, नंदगांव बरसाना। भगवान कृष्ण पूरे ब्रज में 11 साल 52 दिन रहे और 9 साल 49 दिन। सबसे ज़्यादा इसी नंदगांव धाम रहे। कहने का तात्पर्य भगवान कृष्ण ने जितनी भी लीलाएँ की हैं वो मुश्किली नंदगांव से ही की हैं। 11 साल 52 दिन पूरे ब्रज में रहे और 9 साल 49 दिन नंदगांव में रहे। भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ था वो मथुरा में कंस की जेल के अंदर में हुआ था, लेकिन रातों रात यमुना नदी पार करके पहुंचाया गोकुल गांव। गोकुल में जब कंस परेशान करने लग गया तो नंद बाबा ने गोकुल गांव को छोड़ दिया और अपने नाम से इस पर्वत पर आकर के गाँव बसाया उन्होंने। पहले यहाँ पर्वत था, पर्वत के अंदर में गुफा थी। गुफा के अंदर में नंद बाबा के गुरु रहते थे सांडिल्य मुनि, जिन्होंने एक आसन पर बैठ करके 10,000 वर्ष तपस्या किया और कंस को श्राप दिया। कंस तू या तेरा कोई भी भेजा हुआ राक्षस आएगा, ये नंदगांव की सीमा में पैर रखती पाषाण पत्थर का हो जाएगा। कंस ने कृष्ण भगवान को मारने के लिए नंदगांव धाम में 2 राक्षस भेजे, हाऊ और बेलाऊ नाम के राक्षस। दोनों ही राक्षस नंदगांव की सीमा में पैर रखते ही पत्थर के हो गए। तो नंद बाबा को विश्वास हुआ ये स्थान मेरे लिए सेफ है, गोकुल को छोड़ दिया, अपने नाम से आके गाँव बसाया। जन्म खुशी नंदगांव के अंदर में मनाई, गोकुल के अंदर में कंस ने नहीं मनाने दिया क्योंकि गोकुल में कंस परेशान करता था। ये यहाँ का दर्शन महिमा था जो अभी आपको मैंने बतलाया है। कभी भी आप भक्त लोग नंदगांव का दर्शन करने के लिए पधारे हैं तो मेरा नाम शशिकांत गोस्वामी है, मैं नंद भवन में ही रहता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8273474535। कभी भी आएँ तो मेरे इस नंबर पर आप लोग रिंग करके नंदगांव दर्शन करने के लिए पधारें। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात, आप लोगों से विशेष आग्रह है मेरा, पूरे नंदगांव के अंदर में पुराना जो नंद महल है वो यही नंद महल है, दूसरा कोई नंद महल नहीं है। घर भी यही है, महल भी यही है और मंदिर भी यही है, दूसरा कोई भी मंदिर नहीं है। तो आप लोगों से विशेष आग्रह है भक्तों से कि आप लोग भक्त आएँ दूर से, पूरे नंदगांव आप लोग दूर से आएंगे तो पूरा नंदगांव मंदिर आपको रोड से ही वाइट कलर का संगमरमर है ये दूर से ही दिखाई देगा। सभी भक्त लोग मेन मंदिर में आएँ, छोटे मंदिरों में नहीं जाएं, फ्रॉडों के चक्कर में नहीं पड़ें। आप लोगों से विशेष आग्रह है कि मेन मंदिर में ही आएँ आप, ठीक है। राधे राधे। तो यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो गई हैं, आप देख सकते हो नंद महल के तरफ जाने के लिए यहाँ से सीढ़ी स्टार्ट है और मैं अब इसके ऊपर चढ़ाई करता हूँ। और हाँ, रास्ते में आपको बहुत छोटे छोटे मंदिर दिख जाएंगे, लेकिन मुझे टॉप पे जाना है अभी ऊपर की तरफ। चलिए चलता हूँ ऊपर की तरफ। इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में भरतपुर के राजा जाट रूप सिंह ने करवाया था। और कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं, मत खा जाएगी। कितनी सीढ़ियाँ हैं? तो बहुत सीढ़ियाँ हैं, अभी तो और आएंगी। अरे अभी तो और आएंगी,
जाओगे। पीछे आप देख सकते हो नंद गांव, धूप बहुत ज्यादा है। इसमें कुछ कम नहीं बोल रहे, हम बोल नहीं रहे। और ये मंदिर के अंदर एंट्री जो मैं चलता हूँ, ये आप देख सकते हैं नंदगांव मथुरा, श्री नंद राय जी महाराज है, नंद बाबा मंदिर, इसका गेट है। और आप ये देख सकते हो ये मंदिर के अंदर का नज़ारा है, और आप दर्शन करने के लिए इस मंदिर में जा सकते हैं, मेन मंदिर ऊपर। और अभी आगे हम ऊपर वाले टेरेस्ट पे, आप छत से देख सकते हो पूरे नंद गांव का व्यू। ये है, ये मंदिर पूरे नंद गांव के ऊपर बना हुआ है, आप देख सकते हो कुछ व्यू इधर से भी है। और आपको मैं इधर से भी दिखाता हूँ, इधर से भी टोटल एरिया फैला हुआ है, नंद गांव के पहाड़ी पे ये बिल्कुल मंदिर बना है। ये पूरा नंदगांव है, और ये मंदिर नंदगांव के ऊपर बना हुआ है पहाड़ी पे, कुछ इस तरह से व्यू है, आप देख सकते हो नंदगांव। और मैं आपको आगे ले चलता हूँ, धूप बहुत ज़्यादा है इसीलिए जल रहा पैर छत पे। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ इस साइड से इसका पूरा, यहाँ से आप देख सकते हो पूरा नंदगांव। ये पूरा नंदगांव देख सकते हो आप, और ये पहाड़ी, अब बने हुए हैं, ये है नंदगांव। श्री कृष्ण के जो पिताजी थे नंद बाबा, उन्हीं के नाम से ये गांव बसा हुआ है नंदगांव। कुछ इस तरह से है। और आप वो देख सकते हो ब्रह्माचल पहाड़ी, ये जहाँ पे राधा रानी का घर है, कुछ यहाँ से दिखता है इसका व्यू। ये पूरा नंदगांव है, और ये मंदिर है।